नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे वो बेहद असहज हो गई। दरअसल विद्या बालन अपने पति सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ फिल्म मेकर गुनीत मोंगा और सनी कपूर की प्री वेडिंग पार्टी में पहुंची थी, लेकिन तभी विद्या बालन के साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे उनके फैंस आग बबूला हो गए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि विद्या बालन अपने पति सिद्धार्थ के साथ पार्टी में शामिल होने के लिए वेन्यू में एंटर कर रही थी, तभी सामने से आ रहे एक शख्स के हाथ में विद्या बालन की साड़ी का पल्लू फंस जाता है और सीन क्रिएट हो जाता है। दरअसल विद्या और उनके पति साथ ही वेन्यू में एंटर कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ किसी से मिलने के लिए पीछे रुक जाते हैं और इस दौरान विद्या आगे बढ़ जाती हैं। तभी एक शख्स विद्या के बगल से निकलता है और सिद्धार्थ से हाथ मिलाने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर करता है, उसका हाथ विद्या बालन की साड़ी में फंस जाता है। इस घटना से विद्या की चीख भी निकल पड़ती है और वो तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू खींचती है और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तमाम फैंस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस शख्स ने जानबूझकर विद्या के साथ बदसलूकी की है। वहीं विद्या बालन के पति सिद्धार्थ भी जमकर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल इतना कुछ होने के बावजूद भी सिद्धार्थ एकदम कूल नजर आ रहे थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जिसकी वजह से यूजर ने सिद्धार्थ को घेरना शुरू कर दिया। वहीं लोग उस शख्स के बारे में कह रहे हैं कि कम से कम वो रुक कर इन दोनों से माफी तो मांग ही लेता। हालांकि विद्या ने समझदारी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, लेकिन लोगों को अभी भी ये बात रास नहीं आ रही है कि विद्या के साथ ये हादसा एक्सीडेंटली हुआ या जानबूझ के किया गया। बहरहाल विद्या बालन परिणीता, भूल भलैया, इश्किया, पा, डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों से अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं और लोगों के दिलों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जगह बना चुकी हैं। तो वहीं सिद्धार्थ रॉय कपूर UTV मोशन पिक्चर के मालिक हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें बताइए कॉमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।